Namo loe sava sahunam. Namo siddhanam. Namo vajjayanam. Namo arihantanam. Namo ayariyanam. Namo loe savatanam. Namo siddhanam. Namo vajjayanam. Namo arihantanam. Namo ayariyanam. Namo siddhanam. Namo vajjayanam. Namo arihantanam. Namo ayariyanam. Namo loe sava sahunam. Namo siddhanam. Namo vajjayanam. Namo arihantanam. Namo ayariyanam. Namo loe sava sahunam. Namo siddhanam. Namo vajjayanam. Namo arihantanam. Namo ayariyanam. Namo loe sava sahunam. Namo siddhanam. Namo vajjayanam. Namo arihantavesin. Paramam havai mangalam. श्री पंच परमेश्वरी भगवान को वंदन नमन।
सर 11:30 का। देह जिनकी देवालय, देशना जिनकी विद्यालय, दृष्टि जिनकी मुक्तालय, ऐसे प्रभु वीर को वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों, साधु साधियों को नमन वंदन। उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं, आज ऐसा वक्त जो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी काल हमारे सबके प्रिय, परिवार के तो प्रिय है ही, परिवार में प्यार तो बांटा ही है, लेकिन समाज और संघ में सबको अपनत्व दिया, सबके दिलों पे राज किया, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, सब में सम्मिलित होकर ऐसी शख्सियत जो करीब से उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, कभी भी कहीं भी जगह पर किसी से भी मिला, उस व्यक्ति ने हमेशा प्यार ही बांटा, बड़ों को आदर दिया तो छोटों को प्रेम दिया। अपने परिवार में तीन भाइयों में अनुज, श्रीमती चंपाबाई सिरेमल जी मरलेचा के अनुज पुत्र है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1968 55 साल की अल्प आयु, भयानक बीमारी 6 साल पहले कैंसर की बीमारी से लड़कर वहाँ पर हिम्मत बताकर आगे बढ़े और लीवर जो ट्रांसप्लांट था उसको बदलाने के 6 महीने में डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने में बदलाना है, तो उस क्रिया में वो आगे चले। विशाखपट्टनम भी जाना हुआ, कोई वहाँ पर कोई केस था, वो पहुँचे तो वो जीवित नहीं था, तो फिर वहाँ से लौटना पड़ा। और मैसूर में एक केस, 17 साल का युवक का एक लीवर ट्रांसप्लांट के मौका मिला तो वो वहाँ पर पहुँचे, लीवर ट्रांसप्लांट भी हुआ, 8 डॉक्टर की टीम ने लीवर भी ट्रांसप्लांट किया, लेकिन कहते हैं कि समय बलवान है, समय के आगे कुछ चलने वाला नहीं है। तो आखिरकार कल सवेरे प्रात मृत्यु उन्हें उनके पास ले गई, क्योंकि समय ऐसा एक विद्यालय है जहाँ व्यक्ति शिक्षित होते हैं, और समय ही अग्नि है जिसे में मानव तप कर खिलते हैं। एक ऐसा मानव जो तप कर खिला है, सबको सुगंधित किया है, हम सबके जिस समय भी काम उनका था, उनको जुड़ना था किसी समाज में, संस्था में, वो आके जुड़े। और श्रीमान साहब मानक चंद जी भौरीबाई रांका जो मधुर निवासी है, उनके जमाई साहब थे, वहाँ भी उनके संबंध बहुत ही अच्छे संबंध उन्होंने अपने रखे। मैंने जैसे कहा कि जहाँ जहाँ भी उनके संबंध जुड़े, जिस जिस से भी वो जुड़े, उन्होंने प्रेम ही बांटा, और सहायक के रूप में पता भी नहीं चलने दिया भी किस किस को उन्होंने सहयोग किया। जो भी उनके पास जाता, एक संस्था है अंबेडकर मित्र मंडली, जहाँ पर डायलिसिस ऑपरेशन वगैरह होते हैं, वहाँ के भी वो
फाउंडर मेंबर है और वहाँ के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बांटते और कहलाते बोलते रहते कि भी मैंने ऐसा किया, लेकिन ये शख्सियत ऐसा था, हमको पता भी नहीं था कि भी वो क्या काम कर रहे हैं, किस संस्था से जुड़े हैं और कितना दान पुण्य का काम भी करते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में कठिनाई होती है। इन्होंने भी वो पल देखे हैं, उस पल से गुजरे हैं। सभी से निवेदन है थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे आने वालों को जगह मिलेगी, थोड़ा सा आकाश में विकास करें, जहां भी जगह है कृपया करके आगे आ जाए। उपाध्याय प्रवर श्री केवल मुनि जी मरा साहब के परम भक्त, हर केवल मुनि की पुण्यतिथि पर हमारे जो दुड़गुंडी में जो उनकी समाधि है वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाप करना, हर महीने वहाँ पर पहुँचते थे, वहाँ पर अन्नदान का कार्यक्रम है, वहाँ पर जप करना उनकी विशेषता थी। कई संस्थाओं से जुड़े थे। 2019 का चातुर्मास कौन भुला सकता है, साध्वी श्री कुमुदलता जी मरा साहब के चातुर्मास में वो चेयरमैन बने, वो एक ऐतिहासिक चातुर्मास था, हम सब जानते हैं। उनके बड़े भाई किरण भाई भी उस चातुर्मास के अध्यक्षता करते हैं। 2022 डॉक्टर श्री सुप्रभा जी मरा साहब का जो चातुर्मास यहाँ पर हुआ गणेश बाग में, वहाँ के संयोजक थे, ट्रस्टी के रूप में SS जैन ट्रस्ट सुले युवा संघ के अध्यक्ष का पद पर रह चुके हैं। उपाध्याय केवल मुनि जी का जैनोदय ट्रस्ट में मंत्री और ट्रस्टी, भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल के ट्रस्टी, जैन मिशन हॉस्पिटल चिकबालापुर के ट्रस्टी, जैन शिक्षा समिति बोर्डिंग जो स्कूल है उसके फाउंडर मेंबर और डोनर, आदर्श जैन कॉलेज के सदस्य, कर्नाटक जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष श्री केवल मुनि जी धाम के संयोजक, कैनरा बैंक के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, ऑल इंडिया प्लास्टिक एसोसिएशन के मेंबर, जैन रिलीफ फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, जीतो के FCP मेंबर, राजस्थान में जो कि अपना गांव है, जो पूर्वजी की पहचान है, गोदाजी गांव में एक स्कूल चलती है हीराचंद चांदमल स्कूल, वहां पर इन्होंने कह के एप्लीकेशन दलवा के वो स्कूल 7वीं तक थी, 12वीं तक उन्होंने वो स्कूल बनवाई और कंटिन्यू वहाँ पर देखना जो है जो आर्थिक राशि भेजनी है और स्कूल कैसे चल रही है उसमें भी इनका योगदान रहा। जैसे मैंने कहा अंबेडकर मित्र संघ एक्टिव मेंबर एंड कंट्रीब्यूटर, जहां पर डायलिसिस मेडिकल कैंप्स और इमरजेंसी ऑपरेशन होते हैं, नवकार ग्रुप के मुख्य सदस्य, और हाल ही में हमने 34 जो स्थानकवासी बाजार है बेंगलुरु में उसका एक महासंघ बनवाया है। पिछले रविवार को ही महासंघ बना और एक टीम बनी, उसका काम 10 महीने से चल रहा है। हम 12 सदस्यों ने उस टीम को बनाया था, ये कोशिश की कि भी एक महासंघ बने, उसके संस्थापक सदस्य भी हमारे धर्मेंद्र भाई मरले चाहते, आपको परिवारजनों को पता नहीं है उस वो लिस्ट में वो नाम नहीं था, प्यार से जो मुन्ना भाई के नाम से हम जानते हैं उसमें भी उनका रोल था। करीबन 20 दिन पहले जब उनसे मुलाकात हुई, संपतराय जी मरलेचा के यहाँ उठावना था धर्मशाला में, 5 मिनट के लिए उनसे मुलाकात हुई मैं और राजेश जी मुता के साथ, तो उनके जो पॉइंट्स थे हमने लिए कि भी महासंघ के लिए हमको क्या करना है। कोई भी संघ से वो जुड़ते या ना जुड़े, लेकिन उनकी राय देखिए आप 55 साल की उम्र में भी उनकी ज़रूरत सबको थी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कर चुके हैं, कर्नाटक का जैन कॉन्फ्रेंस के युवा शाखा अध्यक्ष बन चुके हैं और बहुतों को उन्होंने जोड़ा है। मैं KJF रहता तो 20 साल पहले धर्मेंद्र भाई का फोन आया कि महेंद्र भाई आपको जुड़ना है कॉन्फ्रेंस में, तो कहाँ कहाँ ध्यान रख के कर्नाटका के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। तो एक महत्व था उनके इस जीवन में। और कहते हैं कि जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन एक किताब जैसी है, पहला पन्ना जीवन है तो आखिरी पन्ना मृत्यु है, लेकिन जो बीच के पन्ने हैं वो हम कैसे जीते वह महत्वपूर्ण है। इन्होंने ये जीवन बहुत ही अच्छी तरह से जिया है, सबको साथ में, परिवार को तो साथ में लेके जैसे मैंने कहा कि जिया ही है, समाज और संघ की सेवा इन्होंने निस्वार्थ भाव से की है, कहीं भी अपना नाम आ गया है ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है, वो बड़ी बात है।
क्योंकि आज हम देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि थोड़ा सा काम करके भी हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो। लेकिन धर्मेंद्र भाई मरलेचा की एक खूबी रही है, सब इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि लोग जब जाते हैं उनको याद करते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा है जिसको जीवित रहते हुए हमने उसकी तारीफ सुनी है, हमने तारीफों के पुल सबके मुखारबिन से मुन्ना भाई की सुनी है। परिवार वाले जानते हैं या ना जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है संघ और समाज में। आज मैं कहूँ कि श्रमण संघ के एक पिलर के रूप में है। कई मरद साहब के संदेश आए हैं, उसमें उन्होंने लिखित रूप से या रिकॉर्डिंग मैसेज से कहा है कि श्रमण संघ में इनकी भूमिका कितनी रही है। तो आज क्षति परिवार की नहीं है, संघ और समाज की भी एक बहुत बड़ी क्षति है। इस तरफ साध्वी जी पधार चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा परिवार जन से कि इस तरफ मुड़े। तो श्रद्धांजलि की इस कड़ी में यहाँ पर साध्वी जी पधार चुके हैं। मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में मरलेचा परिवार के जो जवाई हैं आनंद जी बोहरा, जो चेन्नई निवासी हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और जो वो KGF थे तो उन्हीं के अंडर हम भी बड़े हुए हैं, तो एक अच्छा वक्ते भी है। अपने साला जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देने पहले वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। लक्षिका जी गुलेचा तैयार रहे। तिन्नानम तार्यानम। गणेश बाग के उपवन में विराजमान माँ सत्या जी के पावन चरणों में भी मैं कोटि से कोटि वंदन करने के पूर्व शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में कोटि से कोटि वंदन नमन करता हूँ अंतर मन से हृदय से। शोक संतप्त समस्त मरलेचा रंका कात्रेला परिवारजन और पधारे हुए सभी आत्मीय भाई बहनों को अंतर मन से श्रय उदय से जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम सबके थे वो प्यारे, हम सबके थे वो प्यारे मरलेचा कुल के आदर्श उज्जवल तारे। आज हमारे सबसे प्रिय एवं सबों के दुलारे चहेते धर्मेंद्र सा मरलेचा उर्फ मुन्ना सा हमारे बीच समय के पूर्व ओझल हो जाना अत्यंत ही संवेदना और दुखद घटना का अनुभव हो रहा है हम सभी को। बंधुओं, जिंदगी मौत की अमानत है। हम सभी परदेशी बनकर आए हैं, एक ने एक दिन हर एक को एक दूसरे से विदा होना है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी को यदि दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। बंधुओं, ना मालूम था ना विश्वास, छोड़कर चले गए एक पल में आप मुन्ना सा, आपका प्यारा सा मुस्कान, प्यार भरी मुस्कान, सादगी भरा, सरलता भरा, विनय भरा, विवेकता भरा प्यारा सा चेहरा महक रहा है हम सबों के दिलों में। व्यवहार में अपनत्व था, करुणा के साकार मूर्त थे, हृदय में निर्मलता, निष्पक्षता, सबका हित हो ऐसी कोमलता भी हमेशा आपके व्यक्तित्व में भरी पूरी रहती थी। गुलाब के मुरझाने पर मिट्टी में महक रह जाती है, व्यक्ति के चले जाने पर भी दिल में स्मृतियाँ हमेशा के लिए रह जाती है। नमन है मुन्ना सा, आपकी श्रद्धा और आस्था दिल में हमेशा ही समाई रहेगी। यादों की गलियाली के गुलशन में आप हमेशा महकते रहोगे। आप एक धर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी, मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। सबों से प्यार सा व्यवहार, परिजनों के चहेते, संघ समाज साधु संतों की असीम सेवा और अपार सेवा से हमेशा ही तत्पर अग्रणीय रहते थे। आप जैसा पुष्प मुरझाकर हम सबों के बीच से शाखा से अलग हो गया, लेकिन प्रेरणा का किंजल कण को छोड़ गया हमारे बीच। प्रतिपल 45 साल की आपके साथ बिताए हर पल गुजारी स्मृतियाँ हमारे मन मंदिर में हमेशा उभरती रहेगी। अंकों में, हृदय में आप हमेशा बसे रहोगे।
आप सभी के लिए हम आदर्श, आप सबों का आदर्श बनकर जिएंगे। आप 10-11 वर्षों से अस्वस्थ होकर भी जिंदगी से हार नहीं मानी, दर्द को जूझ कर भी अपने शरीर के दर्द को जूझ कर भी केमोथेरेपी जैसे इतना इलाज से सुधार हुआ, लेकिन परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। आयुष्य कर्म के सामने सभी को झुकना पड़ता है। बंधु, जिंदगी एक खूबसूरत छलावा है, जिंदगी एक खूबसूरत छलावा है और मौत एक दर्दनाक सच्चाई। इस धरा में 55 वर्ष की यात्रा कर जीवात्मा मुन्ना सा हमारे गंतव्य सुष्टा में समा गए। अपने पूज्य माताजी, माता श्री जी चंपाबाई सा, पूज्य पिताश्री जी सिरेमल जी सा, मरलेचा, सबके छोटे लाडले सुपुत्र थे आप। भाई बहनों को स्वर्गीय श्री किरण भैया और हमारे किरण राजेंद्र सा एक पैर पे खड़े रहे। जब से आप बीमार थे, कोई रात देखा ना सुबह देखी, ना तो खाना देखा ना ऑफिस देखा, राजेंद्र सा एक पैर पे खड़े रहे। और अपनी बहनों से हमारे स्वर्गीय मदन भाई सा, मेरी जीवन संगिनी प्रकाश, नंदा भाई सा, संतोष जी, आशा जी, ये समस्त बाल गोपाल, तो सारे मरलेचा परिवार के कवर सा असीम प्यार वात्सल्य छोड़ गए हमारे बीच। समस्त मरलेचा रंका कातरेला परिवार को आपने सेवा में पिरोया है। दोनों भाभी ही नहीं, अपने बड़े भाभी किरण जा किरण सा की जीवन संगिनी बड़े भाभी जी और रसीला भाभी जी, समस्त मरलेचा परिवार की सुपुत्रियाँ और अपने सुपुत्र सुपोत्र और अपने बेटे, अपने लाडले बेटे मोहित एवं चिन्नू के लिए असीम प्यार स्नेह दिया है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाइयों, मैं दिल से कहता हूँ, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी जीवन संगिनी मंजू भाभी की तो पूछो ही मत, जब से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 8-10 साल से रात दिन एक कर दिया आपने। मंजू भाभी ने रात दिन एक कर दिया आपकी सेवा में, स्वास्थ्य को सुधारने में। घंटों रात रात दिन एक पैर पर खड़े रहना, आप सभी धन्य है। आप सभी गुरु बंतों की सेवा, साधु साधियों के धर्म कार्यों में, गौशालाओं में गौ माता जी को गौशालाओं में दान पुण्य के कार्यों में तप जप और हर सदस्य जुड़े रहे। गरीबों की समाज सेवा की, आर्फरेंजेस रिमेंड होम, अपाहिज बंधुओं की सेवा, अस्पतालों में दान देना हमेशा पूरा परिवार अग्रणीय रहता था। मुन्ना सा कम उम्र में ही जैन कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष बने, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। 15 साल पहले जब आप युवा अध्यक्ष बने तो हमारा दिल खिल उठा था। जैन कॉन्फ्रेंस के महिलाओं में भी रसीला भाभी जी को महिला मंडल कर्नाटक शाखा के अध्यक्ष बनाया और आपने हमेशा ही उनको प्रोत्साहन दिया। जी जान से हर सामाजिक संस्था से जुड़ते रहे, दान कर अपने दाएं हाथ को भी किसी को पता तक नहीं कराते थे। मरलेचा परिवार धन्य है। आप सभी अपने सभी सभे सगे संबंधियों को कोई कार्य हो, सामाजिक विवाह महोत्सव में जी जान से सक्रियता से जुड़े रहते थे। मरलेचा परिवार के सभी संबंधी गणों को अपार सेवा का परिचय दिया है। हमारे मोहित और चिन्नू के ससुराल पक्के संबंधी जी मांझी माननीय सम्मानीय श्रीमान गुलाब जी सा पगारिया एवं माननीय सम्मानित श्री आनंदराज सा चोड़िया ने अभूतपूर्ण सेवाएं दी, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बंधुओं, आपकी आत्मा को सुख शाश्वत शांति मिले, प्रभु के चरणों में शाश्वत जगह मिले, प्रभु द्वार का वैकुंठ का सत्संग मिले, ओम शांति का सुख सार मिले। आत्मा तो अमर है बंधुओं, आत्मा तो अमर है, नश्वर है यह शरीर, सत सत कर्मों से ही बनती है तकदीर। आप जैसे ही कुछ होते जिनको परिवार संग समाज करता है याद, आपके सुनहरे सफर में, आपके सुनहरे सफर में रोशन रहिए खुशियों के दिए, प्रेरणादायक जीवन आपका मिसाल है हम सबों के लिए। बंधुओं, जब मौत आती है, बंधुओं जब मौत, याद रखना आप सभी हम सब बैठे, माचिस की डिबिया होती है। उपाध्याय श्री केवल मुनि हमारे साहब कहते थे, देख बेटा माचिस की डिबिया है, इसमें स्टिक करे हुए, खोला जाने किनो नंबर मालूम गोनी, मारो आवे थारो आवे। तो जब भी तो याद रखना बंधुओं, जब मौत आती है जिंदगी को एक पल नहीं देती है, पर जिंदगी एक पल में मौत को सब कुछ दे देती है। दिवंगत आत्मा व हमारे दुलारे मुन्ना सा को हार्दिक अंतर मन से श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि समर्पित करते हैं हम सभी। आप सबों की तरफ से, मैं उनको अंतर मन से, हमारे सब साधु भाइयों की तरफ से,
हमारी सालियों की तरफ से, समस्त मरलेचा परिवार और सगे संबंधी उनकी तरफ से भावांजलि अंतर मन से समर्पित करता हूँ। और मरलेचा परिवारजन, रंका परिवारजन, कातरेला परिवारजन, पगारिया परिवारजन, चोड़िया परिवारजन को भी संवेदना व्यक्त करते हैं अंतर मन से। इसी के साथ मेरे भाव भरे व्यक्तियों को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, अरियंत शरण। समन संघ युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के एक लेटर है। धर्म प्रेमी श्री राजेंद्र कुमार जी, श्रेयांश जी मरलेचा एवं परिवारजन, संतोता पर धर्म संदेश। अभी समाचार ज्ञात हुआ कि परिवार के लाडले मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री धर्मेंद्र जी मरलेचा काल धर्म को प्राप्त हुए। काल धर्म प्राप्ति एक त्रैकालिक का सत्य है जिसको हर एक जीव को स्वीकार करना अनिवार्य है। धर्मनिष्ठ जीव इस प्रसंग पर आत्मदोध्या न कर त्याग धर्म ध्यान का आलंबन लेते हैं। मरलेचा परिवार धर्मनिष्ठ परिवार है। साहब हिसाब साधु संतों की सेवा में सदा अग्रवी रहने वाला यह परिवार है। और भी लेटर है, मैं सब शॉर्ट में ही लेटर्स, जो भी काफ़ी लेटर्स हैं साधु जी साध्वी जी के, जो मेन लाइन्स है वही पढ़ूंगा, पूरे लेटर नहीं पढ़ूंगा। अभी मैं निवेदन करूंगा लक्षिता जी को, कृपया यहाँ पर आए, जो कि दोईती है लक्षिता जी गुलेचा, उसके बाद तैयार है मेघा जी कोटारी जो जी भतीजी है। अर्थ विराजित मारसा को मेरा वंदन, सभी पधारे बड़ों को मेरा। सभी पधारे बड़ों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और प्रणाम। मेरे नाना एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हम सबको अनुशासन का महत्व सिखाए। वह इतने प्यारे और विनम्र थे कि हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। उन्होंने अपने हर बंधन को संजोया, चाहे वो भाई बहन, बेटा, पति, बहू, पोता या दोहित्रा दोहित्री का हो। उनके पास हर समस्याओं का समाधान रहता था। उनकी शक्ति और प्यार परिवार में बने रहे। मैं सभी बच्चों की तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको मोक्ष प्रदान हो। लगता नहीं है कि आप चले गए यहाँ से दूर कहीं, बस एहसास होता है कि मन में ही कहीं पास है हम सबके। आपको शत शत नमन, वी विल मिस यू नाना। चरम तीर्थेज शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित गुरुनी मैया विजयलता जी मरसा आदि थाना के चरणों में चरण कमलों में शत शत नमन एवं पधारे हुए सभी अतिथियों को जय जिनेन्द्र। चाचा मेरे चाचा, मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है ये जानते हुए भी आपके जाने का बहुत दुख है अंकल। लीडर, मल्टीटास्कर, फ्रेंडली टू ऑल, करेजियस, दानवीर, पुण्य आत्मा एंड अ गाइड, सात छूटा स्मृति पाटल पर अंकित हुए। बात रह गई, आशा की वो लोग बुझ गई, पर आपकी रोशनी हमेशा हमारे साथ रहेगी। याद आता है वो प्यार जो आपके हर इशारे में छुपी थी। याद आती है वो आपकी लाइन, कई पाई आई तू, फूल जैसे जिंदगी को छोड़ गए आप हमें इस अधूरे राह में। जैसे बीतेगा वक्त वैसे हमारा दुख आपकी यादों से, आपका वो मुस्कुराता चेहरा याद कर आंखें नम हो जाएंगे। याद बार बार आएंगे वो पल जो हमने बिताए आपके संग अंकल, आपकी यादें, आपकी बातें, आपका स्टाइल बस रह गई हमारे दिल में सदा के लिए, सदा के लिए। आपका मोबाइल, उनके मोबाइल को उन्होंने एक जादू की छड़ी जैसे घुमाकर हर एक कार्य हर एक क्षण में व्यवस्थित कर देते थे। परिवार में सबसे छोटे, सबके लाडले दुलारे थे मुन्ना। घर परिवार के ही नहीं पर सभी के चहीते थे मुन्ना भाई। हम सभी बहन बेटियों की तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ दिव्य अंगत आत्मा को
चीर शांति मिले और आप अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। वी मिस यू अलॉट अंकल, वी मिस यू अलॉट। परिवार में कैसा उनका रिश्ता था, प्यार था, उन्होंने जताया। साध्वी श्री कुमुदलता जी महाराज साहब का एक लेटर है। धर्मनिष्ठ धर्म प्रेमी दानवीर श्रावक राजेंद्र जी, मोहित जी, श्रेयांश जी, धर्म संदेश। आज प्रातः प्रथम बेला पर समाचार मिले कि बेंगलुरु का मानवता का मसीहा मरलेचा परिवार का एक पुष्प सरल मना सहमता का दिमाग का दीपक गुरु केवल के भक्तों में एक हीरा 2019 के वर्षावास का एक कोहिनूर आज परमात्मा में लीन हुए। बड़ा दिल को दर्द हुआ। हम चारों साध्वी जी मानो नेत्र सजत हुए। होनी की विधाता भी हल सकता है। मुन्ना भैया ने जो संग समाज परिवार की सेवा की है वह सेवा अविस्मरणीय है। आने वाली नस्लें इनके होने का अंदाज करेगी। ऐसा जो सख्त निराटा सदियों जिस पर नाच करेगी। मंजू भाभी को परमात्मा इस दुख को सहन करने की शक्ति देवे एवं मरलेचा परिवार बहन परिवार सभी को परमात्मा ताकत दे। ये साध्वी श्री कुमुदलता जी महाराज साहब का संदेश था। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूँगा रसीला जी मरलेचा को कृपया आगे पधारें, जो कि महिला कर्नाटक महिला जो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी है पद पर है, वो श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन एवं नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित गुरुणी मैया के चरणों में चत चत वंदन नमन। पधारे हुए सभी सहानुभूति के लिए पधारे हुए सभी महानुभावों का मरलेचा परिवार की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आज मरलेचा परिवार में ऐसी अनहोनी हुई है। आज काल ने मरलेचा परिवार की बगिया से एक ऐसे गुलाब को चुना जिसने अपनी महक पूरी अभी तक महकाई नहीं और डाली से अलग हुए। क्या मुन्ना जी आपको इतना भी पता नहीं था कि आपकी कलियां अभी तक गुलाब नहीं बनी है, वो अभी तक कच्ची है, नई कलियां उगने वाली है। क्यों अपने भाई के कंधे पर सारा भार डालकर आप कहां चले गए? कौन पूरी करेगा मरलेचा परिवार में आपकी कमी? क्या आपको इतना भी पता नहीं था कि आप हैं तो सब निश्चिंत हैं, लेकिन अभी सभी चिंतित हैं। जब मुन्ना जी थे पूरे परिवार में किसी को टेंशन लेने की बात ही नहीं होती। मुन्ना जी ये काम होना है, हो जाएगा, और कहां से वह काम पूरा होता या किसी को पता भी नहीं चलता। सूरज के समान मैं क्या बोलूं,
ओजस्वी भी मैं उनको बोल सकती हूँ और चांद के समान शीतल भी मैं उनको बोल सकती हूँ। कैसे भी कठिन से कठिन परेशानी भी अगर आती, इतनी शीतलता से, इतनी शांत स्वभाव से, इतने अच्छी तरह से कौन से भी उसको हैंडल करते कि है ना, किसी को टेंशन नहीं देते। आज आप हमारे बीच में नहीं रहे, एक चीज पूछने के लिए सोचते हैं मुन्ना जी कटे हो। आज समाज के लिए, परिवार के लिए क्या आधार स्तंभ थे आप? पूरे भारत के कोने कोने में अगर आप चले जाओ और धर्मेंद्र मरलेछा को याद करो, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा मरलेछा परिवार का उभरता सितारा आज इस दुनिया में नहीं रहा। किसी को यह विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन विधि की विडंबना के आगे हम सभी के प्रयास असफल होते हैं यह हम सभी जानते हैं। वीर प्रभु से हम सब यही प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी गई हो, उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को शीघ्र प्राप्त करें, यही हम सभी मंगल कामना करते हैं। ओम शांति, ओम अरहम। अपने परिवार का दायित्व राजेंद्र जी के कंधों पर, क्योंकि तीन भाइयों का परिवार कोरोना काल में, किरण जी की मृत्यु हुई, अभी धर्मेंद्र जी की, तो लहर सिंह जी साहब सिरोय की तरफ से भी नाम आया हुआ है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, जो राज्यसभा के सांसद है, हमारे समाज के गौरव भी है, उनकी तरफ से भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। समकित मुनि जी महाराज साहब का भी एक लेटर है, शॉर्ट में ही मैं आपको सुना देता हूँ। ना जाने की उम्र थी ना योग, फिर भी चले गए मेरे मुन्ना भाई, देवगुरु धर्म को समर्पित मुन्ना भाई, सबके सहयोगी मुन्ना भाई, दान धर्म में आगे रहने वाले मुन्ना भाई, हर संभव प्रयास किया, अपने जो कुछ करनीय था, जो अपने वश में था, क्या किसी तरह मुन्ना भाई सुरक्षित रहे, सब किया, लेकिन मौत हमसे बलवान निकली और हम सब मौत के समक्ष बेबस लाचार। मुन्ना भाई जब भी स्वास्थ्य के लिए कहीं जाते, मंगल पाठ सुनकर ही जाते, इस दुनिया से विदा हुए तो भी धर्म का आलंबन लेकर, धर्म पाते लेकर, उस आत्मा ने भव परिवर्तन करके सुखद परलोक में वास कर लिया है। ये श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, जो पूना में चातुर्मास चल रहा है, उनका संदेश था। अब मैं निवेदन करूँगा, युवांश मरलेछा है, जो कि पोता है, वो कुछ कहना चाहता है। Hi, my name is Yuvraj. My dad is a star. Please pray for him. Namo Haryantana, Namo Siddhanam, Namo Ayaryana, Namo Vajayana, Namo Loe Sava Savala, Esa Bachara Bukaro, Sava Pavarasako, Angla Dacha Sava Singh. अब निवेदन है प्रणीता जी, जो कि बहू जी है, कृपया आगे आए। पंच परमेश्वरी देव को वंदन नमस्कार करती हूँ। पधारे हुए समस्त परिजनों को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही बड़ा दुख का विषय है, हम हमारे पूजनीय पिता तुल्य ससुर जी का आकस्मिक स्वर्गराज होने के पूर्व परिवार पर वज्र प्राप्त हुआ है। बहुत ही संकट की घड़ी है, किस तरह मैं अपने भाव को प्रकट करूं? मरलेछा परिवार में आने के पश्चात हमें हमारा मायका कभी याद नहीं आया,
परिवार में भरपूर प्यार के साथ मान सम्मान आदि प्राप्त हुआ। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो आज मृत्यु याद आते हैं। एक दो उदाहरण आपके सामने समक्ष करना चाहती हूँ। मेरे पूज्य पापा जी मेरे विवाह के पश्चात बाद जब उनके अव्यस्त हुई और मेरा पहले बार पीर जाने का अवसर था, उसे उस समय उनकी आंखें नम हो गईं कि मेरे कारण मैं पीर में जाने की अंतराएं आ गई थी। हमारे लिए हमेशा हर आवश्यक कार्य के लिए पूरा सहायता करते थे और सबको पूरा ध्यान रखते थे। घर में हमेशा गाना गुनगुनाते हुए प्रवेश करते थे तो उन सबके चेहरे पर खिल जाती थी। आज ये सब यादें हमारे लिए इतिहास हो गई हैं। नम है आंखें मौन हर एक सांझ है, गूंजती कानों में एक आवाज है, प्रणीता प्रिया इस जहां को छोड़कर बेशक गए पर पापा जी का दिल लो पर राज है। पापा जी आप जहां कहीं पर भी हो आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर हमेशा बरसाते रहे, अब हमारे दिलों में अटल और शाश्वत रहेंगे। हम यह भाव प्रकट करते हैं कि आपका शाश्वत सुख यथा शीघ्र प्राप्त हो। ओम शांति, जय महावीर। हिम्मत जुटा के आके बोलना कठिन है इस समय, क्योंकि जो परिवार में कभी एक सदस्य चले जाता है तो एक क्षति होती है और यहाँ पर आकर प्रकट करना बहुत मुश्किल की बात है। अभी एक लेटर हमारे मुनि श्रुत अक्षर जो श्रुत मुनि जी महाराज साहब है वहाँ से भी आया है। उन स्मृतियों और सन 2022 के राजाजी नगर चातुर्मास की स्मृतियाँ समय समय पर आप बराबर पूरी सेवा के अंदर कार्यक्रम के अंदर प्रवचन में उपस्थित होकर धर्म प्रभावना एवं सेवा कार्य का लाभ लेते ये कदाचित भूल नहीं सकते। पर मुन्ना भाई ने अपने जीवन काल में खूब ऐश कमाया, खूब नाम कमाया, खूब कीर्ति कमाई, खूब सेवा की, खूब धर्म ध्यान किया, खूब दान पुण्य भी किया। ये अमर रहेगी कहानी, याद रहेगा इतिहास, याद रहेगा व्यक्तित्व का व्यक्तित्व। मुनिश्रुत अक्षर रामकोट हैदराबाद। अब निवेदन करूँगा मंजू जी मांडोत कृपया आ गया है, उसके बाद अभय जी बोरा। अगर जगह है तो फिर एक बार निवेदन करूंगा, जो बैठे हैं सभी जो थोड़ा सा जगह कर ले बाहर खड़े वो अंदर आ सकेंगे, थोड़ा सा आकाश में विकास करें तो अच्छा होगा। अत्र विराजित माँ सती जी के चरणों में वंदन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। संसार में जन्म मरण का चक्र तो चलता ही रहता है और ये अटल सत्य है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो सांसें होती है और जब मृत्यु होती है तो उसका नाम होता है। और इतनी सी उम्र में जो नाम आपने अपनी व्यवहारिकता, सरहृदयता, अपनत्व और सबके हितेशी, निष्ठापूर्व समाज सेवक, गुरु भक्ति में तत्पर, हसमुख स्वभाव के धनी, भाई के जाने के बाद परिवार का आधार स्तंभ, इन सब गुणों से पूरे जहाँ में अपनी सुगंध बिखेर गए हैं मुन्ना, ऐसे हमारे भानज मेरी उनकी मासी का भी ये भाव है और हम बहनों के भी यही भाव है। मैं भानज के लिए कुछ कह पाऊँ मेरे पास उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। गूंजते हैं शब्द आपके हमारे कानों में परंतु खो गए हैं आप सितारों में। स्मृति हमारे दिलों में बसा गए, जाते जाते हमारे दिलों में अविरल आंसू दे गए हैं आप। दुनिया से प्रमाण कर गए, प्रयाण कर गए, हर समय दिल के समीप हो आप। शब्द तो शांत हो गए, संवाद से सदृश्य ओझल हो, फिर भी हृदय में साक्षात अवस्थित हो। जिस तरह सूरज से रोशनी और सागर से लहरें अलग नहीं हो सकती, उसी तरह आपकी यादें हमारे हृदय पटल से कभी दूर नहीं होगी। पावो तुम वीर प्रभु से चरणों में स्थान, दे सिद्ध प्रभु स्थान आपको मोक्ष महल में, हम सबकी ओर से यही है श्रद्धांजलि। ओम शांति, ओम अरहम।
साधु साधियों के भी कई संदेश आए हैं, मैं नाम पढ़ के सुना लेता हूँ। साध्वी श्री सुप्रभा जी महाराज साहब, श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, श्री कपिल मुनि जी महाराज साहब, श्री चंदनाशी जी जो कि समन संघीय प्रवर्तनी है, जो कि दिसंबर में दीक्षा हुई थी, उसके चेयरमैन हमारे मुना भाई थे, श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, श्री जयंत मुनि जी महाराज साहब, साध्वी श्री रुचिता सिंह जी, साध्वी श्री संयमलता जी, साध्वी श्री दर्शन प्रभा जी, श्री विनय मुनि जी खीजन, उनका भी लेटर आया हुआ है, और एवं प्रवर्तक श्री सुकुन मुनि जी महाराज साहब, इन सब ने अपना संदेश भेजा है। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब उपाधेय पर, उनका भी संदेश आया है, तो इन सब के संदेश सांत्वना देने के लिए परिवार के प्रति अपने संदेश भेजे हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सुले की तरफ से संवेदना प्रकट की है। इसी तरह सभी संघों के मैं नाम बोल देता हूँ। गंगानगर श्री संघ, हनुमंत नगर श्री संघ, चिकपेट शाखा, बैंगलोर सेंट्रल, मागड़ी रोड, राजाजी नगर, श्रीरामपुरम, विजय नगर, मुनरड्डी पालयम, शांति नगर, इन सब संगठनों ने, संस्था ने, संघों ने अपने अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। जैन युवा संगठन एवं सेवा ट्रस्ट बैंगलोर, सुले जैन युवा संघ, आदिनाथ जैन मंदिर बालुंडा, इसके साथ नवकार ग्रुप, गौतम लब्धि फाउंडेशन, श्री गुरु गणेश सेवा समिति कर्नाटक, श्री मरुधर केसी जैन गुरु सेवा समिति बैंगलोर कर्नाटक, श्री जय ब्रज मधुकर अर्चना समिति ट्रस्ट, अध्यक्ष पुखराज जी बोतराय, मंत्री मनोहरलाल जी लुक्कड़, श्री आदर्श विद्या संघ, श्री अम्बेश गुरु सेवा समिति बैंगलोर, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्रीमान साहब आनंद जी छल्लानी एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अविनाश जी चोरडिया की तरफ से, साधु मार्गी जैन संघ गोडवाड भवन श्री कुमारपाल जी सिसोदिया की तरफ से, ऑल इंडिया मानव सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राजेश जी मुता की तरफ से, भारतीय जैन संगठन बैंगलोर, जैन मित्र मंडल, अखिल भारतीय ओशवाल परिषद, इन सब ने अपने अपने नाम दिए हैं। कोई बोलना भी चाहता था लेकिन बोल नहीं सके। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संस्थक मलेश्वरम, कर्नाटक जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्रीमान साहब पुखरा जी मेहता, सभी ने अपने अपने नाम दिए, लेकिन समय कम है, समय हो चुका है, साध्वी जी को बोलना है। और एक हमारे जो मुना भाई के भांजे हैं श्रीमान अभय जी बोरा, उनसे निवेदन है, कृपया आगे आए। यहाँ उपस्थित गुरु भगवंतों को मेरा शत शत नमन, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। श्रीमान धर्मेंद्र जी मरलेचा मेरे मामा जी थे, जिन्हें हम बहुत प्यार से मुन्ना मामा कहते थे। कुछ साल पहले हिंदी में एक बहुत ही अनोखी फिल्म आई थी जिसका नाम था मुन्ना भाई MBBS। अगर उस पिक्चर को देखे तो बस उन्हीं की याद आती थी। प्रथम किरदार की यह खासियत थी कि कोई भी आम आदमी उनके पास अपनी परेशानी लेके जाता तो हर परेशानी का उस मुन्ना भाई के पास हल होता था। हमारे मुन्ना मामा भी बस वैसे ही थे, हमेशा जिंदा दिल, हमेशा दूसरों को मदद करने पे तत्पर, चाहे भाई हो या बहन, दोस्त हो या बच्चे, संघ हो या समाज, वो हम सभी के लिए एक असल के मुन्ने भाई थे, जो अपने कार्यकुशलता और मीठी वाणी से हर कठिन से कठिन काम को आसानी से कर देते। चाहे भारत के कोई भी धर्मस्थल पे हम हो या समाज का उनके जान पहचान का कोई भी बंधु हो, वो पूरी व्यवस्था मामा को एक फ़ोन से हो जाता था। चाहे वैष्णो देवी हो, आनंद धाम हो, गणेश धाम हो, हुमचा वगैरह के तीर्थ पर उन्होंने अनेक बार समाज को दर्शन करवाया और धर्म लाभ की पुण्यवाणी बांधी। आज की आधुनिक युग में कृष्ण सुदामा की जैसे दोस्ती शायद ही हमें किसी को मिली या मिल पाएगी फ्यूचर में। शूले के घर के बाहर पुराने घर पे जो लाल घर था, उधर एक पट्टी होती थी, सब मामा और उनके दोस्त लोग उधर बैठ के बातें करते थे और कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधार कर सकते हैं, वैसी बातें और गपशप होती थी। उस समय बॉन्डिंग हमेशा बरकरार, जैसा आपका बॉन्डिंग था उस समय का, उसे हमेशा बरकरार रखिए। उस अभी नए घर के बाहर जो पट्टी है उसको कभी भी सूना मत होने दीजिएगा। उनके दोस्तों के मेरी यही विनती है, हम ना ही सिर्फ हमारे ननिहाल के दोहते थे परंतु मामाओं के प्रति शूले समाज का जो प्रेम था, पूरा समाज हमें भानु के नाम से पुकारता था। नाना नानी सिरेमल जी मरलेचा और चंपाबाई मरलेचा ये एक बहुत महान व्यक्ति थे। इनका स्थान में आना
और उनके जैसे हमें प्रेम पिछले 20 साल से देना हम सभी के लिए, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें नाना नानी नहीं है, चाहे वो केवल मुनि मरासा का धाम लेके जाए और घास खिलाए, या चाहे विधान सौदा शाम को लेके जाए, कबन पार्क को लेके जाए, या गैलेक्सी थिएटर में आप सभी को याद होगा बॉक्स सीट में हमारे लिए हमेशा टिकट शो के 10 मिनट पहले भी मुन्ना मामा रेडी कर लेते थे, उनकी इतनी पहचान थी। मेरा बचपन उनके साथ जो बीता उसमें अलग ही स्वैग था, हर सीजन का उन्हें एक नया स्टाइल था, उनके साथ जो बातें करने का मौका मिला उसका अंदाज हर सीजन में एक अलग था। अपने भाई को गोपू मामा को प्यार से भाऊ बुलाना हम सीख रहे हैं और आज भी इतना बोलते हैं और सीखेंगे कि आशा करते हैं हम भी हमारे जो रिलेशंस और भाई हैं उनको भाऊ से बुलाएं और हमेशा मुन्ना मामा को याद रखें। चाहे बच्चों हो तो उनको बड़ी बुलाते थे, हर बार एक नया डायलॉग उनका रेडी होता था सबको पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। शायद आपका बचपन जो आपके कातरेला वाला ननिहाल में जहाँ पे 40 भाई बहन कजिन्स आप लोग रहते थे और हर छुट्टी में जिस तरह आपको ननिहाल में प्यार मिला और आपकी उस परवरिश में ननिहाल से आपको जो प्यार मिला उसी के कारण आपने हमें भी ऐसा बचपन दिया और ऐसा ननिहाल दिया कि आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। उसी तरह संपतराज सिन्हा नानोसा की भी जो प्रेम उनके बच्चों के साथ था उसके कारण जो परवरिश मिला ना ही हम परवरिश ऐसा ही आपका परवरिश ऐसा था कि ऐसा मामा 8 दोहितों और 4 दोहिती के इनफाइनाइट प्रेम मिला, परंतु हमारे बच्चे जो हम दोहते दोहती थे हमारे भी बच्चे को उनको मामा बुलाते थे, सभी मामाओं को मामा बुलाते थे और आपके साथ कंबा कंबा खेलने के लिए हमारे बच्चे भी सुनहरी यादों के साथ हमेशा संजो के रखेंगे। मैं यहाँ किरण मामा को भी याद करना चाहता हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके कारण हमारे मुन्ना मामा के साथ हमें और इतने साल जीने का मौका मिला। बिना किरण मामा ये संभव नहीं होता, उनको बहुत बहुत प्रणाम। अगर जीवन में एक परफेक्ट उत्तम मामा बनना हो तो अपने नानेरे के चॉकलेट मामा किरण मामा, गोपू मामा और सबसे प्रिय मुन्ना मामा को याद आंखें बंद करके करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ मामा और एक कंप्लीट मैन की झलक दिखेगी। बहुत बार जीवन में जब कुछ चुनौती आती थी तो हम सोचते थे अगर इस जगह हमारे मामा लोग होते तो वो क्या करते, और तुरंत हमें मार्गदर्शन मिल जाता। ना ही पापा के साथ हमारे मामा भी ऐसे थे कि हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन, अगर वो उस प्लेस में होते तो कैसे करते और क्या करते, क्या डिसीजन लेते। हम सब की तरफ से आपको श्रद्धांजलि। आपका मुन्ना मामा का अब्दुल्ला दीवाना बेगानी शादी में धन्यवाद। अधिक समय लिया मिच्छामी दुखड़म। शांत क्रांति संघ के आचार्य श्री आचार्य विजय हजी मरा साहब का भी एक लेटर आया हुआ है, उन्होंने भी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। श्री जैन रत्न हितेशी सावक संघ जोधपुर एवं बैंगलोर, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटक जैन कॉन्फ्रेंस, श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन सावक संघ बैंगलोर, शांति क्रांति संघ जो महेंद्र जी चोपड़ा अध्यक्ष, उन्होंने भी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। वयावक्ष जो ऑल इंडिया वयावक्ष के चेयरमैन है श्रीमान साहब अशोक जी रांका एवं अध्यक्ष श्रीमान साहब रतन जी सिंघी, जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीमान साहब पदमचंद जी आचा, ज्ञान प्रवास योजना के मंत्री श्रीमान किशोर जी दलाल, जैन कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मार्गदर्शक श्री सुरेश जी छलानी, जैन कॉन्फ्रेंस के युवा शाखा, उन सब ने अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे जीतो नार्थ चैप्टर के जो सदस्य है उन्होंने भी अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन, इंद्र जी बोरा अध्यक्ष यहाँ पर है, उन्होंने भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। डॉक्टर नरपत जी सोलंकी जो कि चिकबालापुर इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेयरमैन भी है, उन्होंने भी अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। बेंगलुरु जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष श्रीमान साहब रंजीत मल जी कानूंगा ने अपनी तरफ मित्र मंडल की तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। मैं निवेदन करूंगा अभी सुले संघ के हमारे प्रेम जी कोटारी साहब है, जिस संघ से वो संबंधित रखते हैं उस संघ के हमारे प्रेम जी कोटारी यहाँ पर पधारेंगे। वर्तमान शासनेश चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अतर्वी राजित
माँ सत्यों के चरणों में विधिवत वंदन नमन अभिनंदन। शोकाकुल मरलेचा रंका एवं कात्रेला परिवार, हमारे परम आत्मीय सरल मना मिलनसार सहृदय श्रीमान धर्मेंद्र भाई मरलेचा का अचानक देवस्थान हम सभी के को गहरे शोक एवं संवेदनाओं में घेर लिया है। आप एक शांत एवं मधुर स्वभाव के धनी, अति विनम्र एवं सदैव संघ एवं समाज के हित के लिए काम करने वाले, अचानक हमसे यूं बिछड़ जाने की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। आप सूले श्री संघ के स्तंभ थे, छोटों के साथ छोटे, बड़ों के साथ बड़े हो जाते थे। कोई भी विपत्ति आती थी तो उसको सुलझाने में हर समय आगे रहते थे, और उन वो जो बात कहते थे उसको कोई भी विपरीत नहीं बोलते थे, उनकी बात सब मानते थे। वो एक युवावस्था में देवानुप्रिय पिताश्री सिरेमल जी सा मरलेचा के पदचिन्हों पर चलते हुए आप जैन कॉन्फ्रेंस केवल मुनि जैनोदय ट्रस्ट के साथ साथ स्थानीय संघों के भी और सूले संघ के भी ट्रस्टी थे। अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले श्रीमान मुन्ना भाई के द्वारा रिक्त किए गए स्थान की हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आप सदैव संघ के हितों का ध्यान रखते हुए समय समय पर आई विपदाओं को निवारण करने का जो जज्बा आप में था वो अनंत दिखाई नहीं देता था। आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी नहीं थी, फिर भी आप उसी सक्रियता से कार्य करते रहे और वर्षों से यह कार्य करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी चतुर्मास होते थे उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती थी, हर समय आप धर्म कार्य में आगे रहते थे और सबको मार्गदर्शन करते थे। नियति ने हमारे साथ अन्याय किया है, फिर भी हम सभी नियति के इस नियम के आगे नतमस्तक है। संसार में आए हुए जीव को एक न एक दिन तो जाना ही है। जब आदमी जन्म लेता है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन इतनी मौत अनिश्चित है। जब जन्म लेते हैं तो मृत्यु तो निश्चित है ही है कि होगी, लेकिन कब होगी ये निश्चित नहीं है। ऐसे ही हमारे मुन्ना भाई अकाल समय में चले गए। आपके द्वारा स्थापित आदर्श को हम यथावत कायम रखने के प्रति कटिबद्ध हैं। वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो आपकी आत्मा को शांति प्रदान हो और आपके परिवार को इस दुखद समय में सहन करने का संबल मिले। पुनः एक बार मरलेचा परिवार, कात्रेला परिवार और रंका परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। सूले संघ की तरफ से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। अकीपेट में जहाँ पर डॉक्टर श्री प्रतिभाषी जी का चतुर्मास चल रहा है, प्रतिभाषी जी ने भी वहाँ पर यहाँ पर संदेश भेजा है। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस महिला जो शाखा है, जो राष्ट्रीय मंत्री है आरती जी भूरट, उनका भी एक संदेश आया है। श्री ऑल इंडिया स्वतंत्र कर्नाटक महिला शाखा की ओर से भी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। उनके एक अच्छे मित्र हैं अनिल जी कानूंगा, यहाँ पर ही बैठे हैं, उन्होंने भी कहा है कि अपनी तरफ से भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। उत्तम जी, अनिल जी, सुनील जी कोटारी जो कि अच्छे मित्र है, उनके परिवार के तरफ से भी, और परिवार के जो सगे संबंधी हैं उनके एक लिस्ट है, नाम पढ़ लेता हूँ। श्री मिश्रीमल जी, पारसमल जी कातरला जो कि ननियाल पक्ष है, नतमल जी मूता, भैरूदान जी, गोलाबचंद जी, नीलेश जी, प्रशांत जी पगारिया, श्री उत्तमचंद जी, आनंद कुमार जी, सिद्धार्थ जी चोरड़िया, मेहताब चंद जी, महेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी मेहता, शांतिलाल जी, पंकज कुमार जी बोहरा रायचूरो निवासी, पुकरा जी, हेमंत कुमार जी बोत्रा, शांतिलाल जी, सुनील कुमार जी तातेड़, सुमित कुमार जी, विनीत जी समदरिया, सुरेंद्र जी, सिद्धार्थ जी सुराना, आनंद कुमार जी, दीपक जी बोहरा, उत्तम चंद जी, संजय जी सिसरीमाल, अजीतरा जी, निखन जी कोटारी, अशोक जी, मनीष जी चुतर एवं राजेश जी, मुकेश जी गुलेचा, इन सब की तरफ से जो कि परिवार के सगे संबंधी हैं, कोई बेटी दी हुई है, कोई ननिहाल पक्ष है, उन सब की तरफ से नाम पढ़े गए थे, उन सब की तरफ से। अब आखिरी वक्ता के रूप में शिवाजी नगर के कार्याध्यक्ष श्रीमान साहब हमारे
पारसपाल जी साहब रूनवाल से निवेदन करूंगा, उसके बाद महासती जी विजयलता जी महाराज साहब हमको संबोधित करेंगे। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी भावी संप्रदाय जैन संघ शिवाजी नगर गणेश बाग श्री संघ की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देवानुप्रिय धर्मपरायण श्रावक रत्न देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित शूले अशोक नगर बाजार का प्रतिष्ठित मरलेचा परिवार के लाल स्वर्गीय श्री सिरेमल जी चंपाबाई के सुपुत्र श्री धर्मेंद्र जी मरलेचा का कल दिनांक 12/9/2023 मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में अरियंत शरण को प्राप्त हुए। जीवन के लंबे साहचर्य का अवसान आ गया, जिससे मन का आर्द्र होना स्वाभाविक है। ममता व वात्सल्य से पूरित आपका जीवन जहां एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं आप एक भरे पूरे परिवार को अपने पीछे छोड़ गए हैं। आप एक धर्मनिष्ठ सेवाभावी ऊर्जावान समस्त भावों से ओतप्रोत त्याग भावना से युक्त संभ्रात सावक रत्न थे। धर्म के प्रति आपकी निष्ठा विस्तृत थी। सकल जैन संघ समाज आपके प्रति श्रद्धावान हैं। स्वर्गस्थ आत्मा शीघ्र शाश्वत आनंद को प्राप्त करें। अध्यक्ष सोहनलाल देवड़ा, मंत्री शांतिलाल खाबिया, कार्याध्यक्ष पारसमणि लूनवाल, मल्लेचा परिवार को सादर समर्पित। उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने एक लेटर लिखा है। ऐसा यह धार्मिक धर्मप्रिय मरलेचा परिवार जिससे 2011 के वर्षवार से परिचय है, श्रद्धापूर्ण जीवन जीने वाले धर्मेंद्र साहब को भवांतर में भी देव गुरु धर्म की शरण मिलती रहे, इन्हीं भावना के साथ धर्म भावना के साथ उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। अब साध्वी श्री विजयलता जी महाराज साहब उनको संबोधित, फिर लोगस का पाठ और मंगल पाठ। बहुत बड़े महान जिसके विषय में आप सब सुन रहे हैं, उनके खोने के दुख में सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सब भी यही जान रहे हैं, आप विशेष परिचित हैं, मैं इतनी परिचित नहीं हूँ। मुझे तो बहुत कम उनका संपर्क मिला था। सूले में जब हम गए थे तो पूज्य श्री उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब का स्वर्ग तिथि थी, उन्होंने कहा, हाँ पुण्यतिथि थी, उन्होंने कहा महाराज साहब आपको वहाँ पधारना, गौशाला में पधारना है। फिर भी हमारा मन नहीं हुआ कि नहीं आपको पधारना पड़ेगा। बहुत प्रेम से उन्होंने हमको वहाँ ले जाने के लिए कहा और वो दृश्य अभी भी हमारे सामने घूम रहा है। मैंने तो सुना था और विचार में रह गई, वो ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीच में से वो उठ करके कैसे जा सकते, ऐसे महान पुण्य पर्व पवित्रण के अवसर पर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं, तो हमारे साथ भी उनका जो संपर्क प्राप्त हुआ उससे भी हमें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। और जितना आपको खोने का दुख है उतना मुझे भी उसके लिए दुख है कि वो ऐसे असमय में हमको छोड़ करके। हाँ, आप और हम सब कह रहे हैं कि वो चले गए, उन्होंने इतना काम किया था, हर एक के लिए कोई ना कोई कार्य किया है, अच्छा ही किया है। जो हम प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं उनके विषय में हर एक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है, इतना वक्त भी होना चाहिए। लेकिन कहने का अर्थ है कि सबके लिए सब कुछ किया और परिवार वालों के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कहूँगी धर्मेंद्र जी मरलेचा आपने एक काम तो अच्छा नहीं किया, समय पर असमय पर आप हम सबको छोड़ के चले गए, रोते बिलखते परिवार को छोड़ के चले गए, ये काम तो आपने अच्छा नहीं किया। पर क्या कर क्या सकते हैं, ऐसे विधान के सामने हम सब नतमस्तक हो जाते हैं, हम कर कुछ भी नहीं पाते हैं। मैं सभी पारिवारिक जनों को, हमारे मरलेचा परिवार और उनके जितने भी निकटस्थ संबंधी हैं, उन सब से कहेंगे कि आर्त ध्यान न करें, क्योंकि यह अनहोनी कोई टाल भी नहीं सकता है। बड़े बड़े वीर पुरुष भी इस मृत्यु के सामने क्या हुए, नतमस्तक हुए हैं। तो सभी से मेरा कहना है आर्त ध्यान नहीं करें, विशेष रूप से उनकी धर्म पत्नी मंजू भाई है ना,
हाँ, तो मंजू बहन से कहना है कि भाई आप अपने आप को समझा लीजिए, अपने मन को समझा लीजिए। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, यानी राष्ट्रीय देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित और श्रमण संघ के प्रति उनके इतने श्रद्धान्वित थे, और कितने पदों पर उन्होंने, सम्मानित पदों पर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। युवा अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी है, और राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष के ऊपर भी उन्होंने सेवा दी है। अनेक प्रकार की सेवा हमारे संघ समाज को प्राप्त हुई है, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। अच्छे कार्य में उन्होंने अपना सारे जीवन को व्यतीत किया है। सबसे मेरा कहना है, आज शोक विसर्जन, ऐसे शोक विसर्जन के सभा में हमें सारा शोक यही छोड़ देना है और आत्मा को समझा देना है। आखिर तो ऐसा होना ही था, वो बाद में नहीं हुआ, न पहले हो गया है, तो इस तरह से हमें मंजूर करना पड़ेगा। सब अपने आप को संभाल लें और पर्यूषण में, धर्म ध्यान में बाधा न पहुंचाएं, धर्म ध्यान में अंतराय नहीं रखें। आप सामयिक संवर स्वाध्याय धर्म ध्यान करते रहें, यही मेरा आपको क्या है, सांत्वना सद्भावना संदेश है कि आप धर्म ध्यान में अंतराय नहीं रखें। उन्होंने इतना धर्म ध्यान किया, इतनी सेवाएं दी हैं, इतना उनका धर्म के प्रति श्रद्धा थी, आप कैसे धर्म में अंतराय रख सकते हैं। तो सब आज भूल जाइए, और सबको मैं धर्म संदेश, सांत्वना संभावना संदेश देती हुई कहूँगी कि उनके नाम से दान पुण्य करें, धर्म ध्यान करें। और जितने भी भाई और बहनें यहाँ मेरी बात सुनने में आ रही है, 11 नौकार मंत्र गिनेंगे, 12 दिन तक 11 नौकार मंत्र गिन करके उस आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे, उनको शांति प्राप्त हो, और निकट भविष्य में अवश्य ही अच्छे योनि में आकर के, मनुष्य योनि में आकर के अधूरा जो उनका कार्य है संसार के लिए या स्वयं के लिए दूरा कार्य है, वो अवश्य ही मानव देह धारण करके क्या है उसको प्राप्त करें। ऐसी मेरी मंगल कामना उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, और जो निकटस्थ उनके संबंधी हैं, जिनको बहुत उनके जाने का दर्द है, उनको मैं संवेदना संदेश देती हूँ, धर्म ध्यान के लिए कहती हूँ, और सबके लिए आनंद मंगल हो, सुख शांति हो। गुरु अंबे सौभाग्य को नमन वंदन करके पुण्यमया प्रेम से भी आशीर्वाद लेकर के कहूँगी कि उस आत्मा को अच्छे स्थान पर, उनका क्या है, अच्छे स्थान पर उनको अवस्थित करें, उनको भी उनके चरणों में, सब चरणों में, अच्छे चरणों में स्थान प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना, भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की। धर्मेंद्र जी के मासोसा के चार परिवार का नाम है, श्रीमान चंपालाल जी, नतमल जी मूता, धनराज जी, उज्ज्वल कुमार जी मूता हैदराबाद निवासी, राजेंद्र जी, विनोद जी कीमती सिकंदराबाद निवासी, एवं श्री दानमल जी, सुनील जी सिंघवी बेंगलुरु निवासी। इसी तरह मुन्ना भाई की जो साडू है उनकी तरफ से एक चार नाम है, उसके बाद हम लोग इसका पाठ करेंगे। श्रीमान अशोक जी, सुशीला भाई जांगड़ा, नरेंद्र जी, संतोष भाई सांकला, गणपत जी देवड़ा, प्रवीण जी, बबीता भाई बम, एवं श्री किशोर जी, संगीता भाई रूनवाल, इन सब की तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। हम साथ में लोगस का एक पाठ का उच्चारण करेंगे, फिर मंगल पाठ। लोगस उज्जोय करे धम्मतिते अरे जिने हरिहंते कितम कोवी संपी केवली उषभमदिहंच वंदे संभवम विदनंच सुमयंच पौमपहम सुपासम जिनम च चंदपहव सुवींच पुप्पदंतम सियल सिजंसं वासुपूज्यंच विमलमनंतम च जिनम धम्मं संतिंच वंदामि कुंतुमरंच मल्ली वंदे मुनि सुयम नमी जिनम च वंदामि रिट्टनेमि पासं तवर्तमानंच एवं मये अभितुवा व्यूरयमला पैन जर्मरना चोवी संपी जिनवरा तित्तेरा मे पश्यंतु कित्य वंद्य मैया जे ये लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य भोई लाभम समाविरम उत्तमम दिन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आयचे सुवयं पयासरा सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। बैठक शुक्रवार यानी कि परसों 15 तारीख शाम तक निवास स्थान पर है, 7 बजे से शाम को। कृपया ध्यान में रहे, मंगल पाठ बैठे बैठे ही मंगल पाठ ले, फिर दर्शन करके साध्वी जी के एक साइड में हम दर्शन करेंगे, परिवारजन यहाँ पर खड़े रहेंगे, कृपया करके एक तरफ से हम दर्शन करके परिवारजन से मिलेंगे, मंगल पाठ। गुरुदेव मासा विल ओ उष गरम पासम पासम वंदामिक मगन मुखम विष हर विसन नासम मंगल कलाण वशम विष हर पुलिंग मंतम कंठे दारे जयमणु तस गहरु गारी दुट ज रजंती हुव समम चिट उदूर मंतो तुज पणम वि बहु फलो नर तिर सुवि जीवा पवन तिन दुख दोगम तुव समतल दे चिंता मणि कप पाय बहिये पवंति अविगेणम जीवा अयर मरम टाणम किय संतु महायस बती भरन भरन ही ता देव दिज बोय भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद आचार्य भद्र बहु स्वामी प्रसादात ऐसे योग फल तू आचार्य भद्र बहु स्वामी प्रसादात ऐसे योग फल तू ओम सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धम सिद्धा ओम सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धम सिद्धा पूज्य श्री रोज स्वामी नरसिंह आचार्य मानाचार्य प्रसादात ऐसे योग फल तू पूज्य श्री रोज स्वामी नरसिंह आचार्य माना चार्य प्रसादात ऐसे योग फल तू गुरुदेव महाराज साहब किया गया चतारी मंगलम अरियंते मंगलम सिद्धे मंगलम साहू मंगलम केवली पनतन धम मंगलम चतारी लुगुतमा अरियंते लुगुतमा सिद्धे लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पनतन धम लुगुतमा चतारी शरणन पवज्जामि अरियंते शरणन पवज्जामि सिद्धे शरणन पवज्जामि साहू शरणन पवज्जामि केवली पनतन धम शरणन पवज्जामि अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रणित धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा भव सागर से तीरणा ओरन शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर उसका सदा ही मन। बोले भगवान महावीर स्वामी भी एक मिनट के लिए दीपक जी है जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, आप आगे करना चाहते हैं मनोज परिवार। जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल शाद हो, जब नहीं तो दुनिया में तो दुनिया को ये रहे याद हो। हमारे मामा जी ऐसे ही बिल्कुल होते, मैं सारे ही मरलेचा परिवार कांका परिवार कतरेला परिवार की ओर से आप सभी से आभार प्रकट करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी इस दुख के घड़ी में यहाँ आए, हमारा साथ दिया, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मैं तो जी मैं आपको भी आज धन्यवाद।